हाय वन ड्रामा के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के जरिए हम बात करने जा रहे हैं एक एक्चुअल चल रहे ऑनलाइन ड्रामा के बारे में, जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी भी शामिल है, एक कॉमन मैन भी शामिल है और कोर्ट तक शामिल है। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये ड्रामे के बारे में बताऊँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और हाँ घंटी जरूर दबाइएगा। तो भाई ये बात है एक कंपनी के बारे में जो बहुत बड़ी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कंपनी इतनी बड़ी है कि ये वीडियो डिलीट भी करा सकती है और मेरा चैनल भी खत्म करा सकती है, लेकिन कंपनी के बारे में हिंट जरूर दूंगा कि वो इतनी बड़ी कंपनी है कि इंडियन क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर है और इंडियन टीम की जर्सी में उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कौन सी कंपनी है कौन सी नहीं है। ऑलराइट, ये स्टोरी स्टार्ट होती है आज से करीब 1.5 साल पहले, जब एक बंदा है जिसका नाम है प्रदीप पुनिया। प्रदीप पुनिया ये बंदा क्या करता है कि उस बड़ी कंपनी के बारे में एक्सपोज बनाता है, काफी सारी साइटों पे उस बड़ी कंपनी को एक्सपोज करता है कि कैसे ये बड़ी कंपनी नकली एडवर्टाइजिंग चला रही है और बोल रही है कि 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के, 12 साल के बच्चे उनकी कंपनी से प्रोग्रामिंग सीख के आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं। और काफ़ी सारे एक्सपोजे इस भाई ने करे और इसके वजह से क्या हुआ, ये जो बड़ी कंपनी थी उसने इस बंदे के अगेंस्ट एक्शन लेना चालू कर दिया। मतलब जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे था, जैसे कि कोरा पे थे, यूट्यूब पे थे, फेसबुक पे थे, ट्विटर पे थे, और काफ़ी सारी जगह से इनकी पोस्ट डिलीट कर दी गई, वीडियोस डिलीट कर दी गई, इनके चैनल तक सस्पेंड कर दिए गए। प्रदीप पुनिया ने यही एक्सपोज नहीं किया कि ये जो बड़ी कंपनी है वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट करी है, इसने और भी काफ़ी सारे बातें इस कंपनी के अगेंस्ट एक्सपोज करी विद फैक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए कि कैसे यहाँ पे गलत पढ़ाया जा रहा है या कैसे कस्टमर के साथ गलत तरीके से बात करी जा रही है, कंपनी के हाई लेवल के लोग कैसे नए ट्रेनी से बात करें, कितनी गंदी गंदी गालियां देके बात करें, और काफी सारी वीडियो इन्होंने अपलोड करी जिसमें उन्होंने प्रूफ के साथ बताया जहां जहां ये एक्सपोज कर सकते हैं वहां सब बंद कराने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी प्रदीप पुनिया ने हार नहीं मानी। लेकिन इस चीज़ से कंपनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी परेशान हो जाती है कि और देखती है कि ये बंदा हार नहीं मान रहा, तो ये कंपनी कोर्ट में जाती है और इस बंदे के अगेंस्ट, मतलब प्रदीप पुनिया के अगेंस्ट 20 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस कर देती है। डिफेमेशन मतलब कि डिफेमेशन होता है बदनाम करना, जिसमें कंपनी ने बोला कि ये बंदा कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। प्रदीप पुनिया ने जो आम आदमी था उसको कोर्ट तक ले गई, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी 20 करोड़ रुपए कैसे दे सकता है, इतना गंदा केस कर दिया। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने इस बड़ी कंपनी को एक्सपोज किया था। जब प्रदीप पुनिया ने इस चीज के ऊपर बात बताई अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी टैब और अपने फेसबुक और बाकी सारे सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए, तो कॉमन मैन इनके सपोर्ट में आ गए। 6 महीने तक ये केस चला है। उसके बाद आज से 2 दिन पहले प्रदीप पुनिया ने अपने चैनल पे एक खुशखबरी शेयर करी, वो ये कि फाइनली वो केस खत्म हो चुका है, वो जीत चुके हैं और फाइनली जो बड़ी कंपनी थी उसने अपना केस वापस ले लिया है। यू अंडरस्टैंड कि मतलब कितनी बड़ी बात है कि एक आम आदमी का इतनी बड़ी कंपनी के साथ जीत पाना, बड़ी कंपनी जो इंडियन क्रिकेट टीम की मेन स्पॉन्सर है उसने केस किया और हारी। तो ये था आज का ड्रामा और फाइनली मैंने आपको एक रियल ड्रामे के बारे में बताया और एक ऐसे ड्रामे के बारे में नहीं बताया जहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन गाली गलौज चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, तो यहाँ एक्चुअल में ड्रामा हुआ जिसके बारे में बताया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ घंटी जरूर दबाइएगा।